प्रेगनेंसी सिम्टम्स, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कुछ शरीर में ऐसे अनुभव जो आपको ऐसा एहसास दिलाएगा कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर ढूंढते हुए आप यहाँ आए हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। देखिए, इनिशियल स्टेज पे अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है तो आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बगैर समय गवाए आप प्रेगनेंसी किट लेकर आकर घर पर टेस्ट करिए और आपको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज ये भी है कि इनिशियल स्टेज पर हो सकता है, बहुत अगर जल्दी आपने टेस्ट कर लिया तो हो सकता है कि आपको वो नेगेटिव टेस्ट दिखाए, अगर बहुत जल्दी किया है तो कुछ समय आप थोड़ा सा इंतजार करिए। लेट सपोज अगर 26 तारीख आपका पीरियड आने का डेट है और अगर आपका पीरियड नहीं आया है और आपने 27, 28, 29 को ही टेस्ट कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा। थोड़ा सा समय जाने दीजिए, कम से कम 10 दिन 15 दिन जाने दीजिए, तब आप टेस्ट करिए और ये आपको पॉजिटिव दिखाएगा अगर आप प्रेग्नेंट है तो। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि शरीर में प्रेग्नेंट जब कोई लेडी कंसीव करती है तो उसके शरीर में HCG नाम का एक ये जो हॉर्मोन्स है ये बढ़ने लगता है। जब ये थोड़ा सा अगर अगर बहुत कम है आप तब टेस्ट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये इसके लेवल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं 10-15 डेज आप दीजिए, ये आपको एग्जैक्ट शो करेगा आपकी प्रेगनेंसी रिजल्ट। ओके, हाँ, इसके अलावा अगर शरीर में कुछ अनुभव आपको महसूस हो रहा है तो वो हम जरूर आज डिस्कस करेंगे। हे देयर, मेरा नाम है आती, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहला कॉमन चीज जो है, जो हम हमारे दिमाग में इस चीज को स्ट्राइक करता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, सबसे पहली चीज है मिस्ड पीरियड। अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट चीज है नोशिया एंड वॉमिटिंग सेंसेशन, जिसे आप मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। इसका मतलब है जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको बहुत ही चक्कर सा फील होना, बहुत ही वॉमिटिंग सेंसेशन होना, ये भी HCG लेवल के बढ़ने की वजह से ही होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है और जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते जाएगा वैसे वैसे आपका ये मॉर्निंग सिकनेस भी खत्म होता जाएगा। एक और चीज होती है, एक और सिम्टम्स है, बहुत ही टायर्ड फील होना, बहुत ही टायर्ड, बहुत ही आलस फील होना, तो इसे फटीग कहते हैं। तो ये अगर ये खास तौर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर और आखिरी तीसरे ट्राइमेस्टर में ये फील होता है, टायर्डसम फीलिंग। ओके, ये भी एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का। फूड क्रेविंग होना, कोई खास चीज आपको खाने का बहुत मन करेगा, तीखा खाने का मन कर सकता है, खट्टा खाने का मन कर सकता है, हम पिक्चरों में देखते हैं ना, खट्टा खाने का मन करता है, तो ये भी एक सिम्टम है। खीर या तो मीठा खाने का मन कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा क्रेविंग होना कि वो चीज खाना ही है, आप बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर, मतलब नॉर्मली आप ऐसे नहीं रहते लेकिन कुछ चीज को देखकर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे खाना है तो बस अभी खाना है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा महसूस होगा आपको ऐसे टाइम पे। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में आपको हल्का फुल्का कुछ चेंजेस महसूस होगा, ब्रेस्ट का थोड़ा सा बड़ा हो जाना और थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाना। ओके, आप उसको जरा टच करेंगे तो आपको जरा सा फील होगा, थोड़ा सा उसमें साइज में आपको फर्क महसूस होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ये इसलिए है क्योंकि मदर नेचर आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार कर रही है। इस प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो आपको आपके निप्पल से कुछ निकलते हुए भी कभी कभी फील होगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर हाँ, आपके शरीर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं प्लीज आप इन सारी चीजों को अपने डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप ये मत सोचिए हाँ ये तो नॉर्मल है, हाँ ये तो होता है, ठीक है होता है, पर आपको अपने डॉक्टर के साथ इन सारी चीजों को डिस्कस करना है, जो जो आपके शरीर में चेंजेस हो रहे हैं सब डिस्कस करना है। अब आते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, जो होता है यूरिनेशन। देखिए, कई बार आपको टॉयलेट जाने का फील होगा, ये खास तौर से इनिशियल स्टेज पर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, हमारा जो बेबी बम्प और जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रेशर पड़ता है अपने ब्लैडर पर, यूरिन ब्लैडर पर, और फिर आपको वो यूरिन का सेंसेशन होगा कि नहीं मुझे अभी बाथरूम जाना है, हो सकता है 15 मिनट पहले ही आप गए हों,
तो आपको दोबारा जाने की जरूरत महसूस हो सकती है। ये बस वही है, बेबी बम का प्रेशर पड़ता है ब्लैडर पर और आपको वो सेंसेशन होता है। और इसलिए भी होता है क्योंकि हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, तो इसके लिए भी आपको यूरिनेशन होता रहेगा। तो आपको पानी भी पीना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है, नॉर्मल से भी ज्यादा पानी पीना है। जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आने वाले समय में मैं एमनियोटिक फ्लूइड्स के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जल्दी आएगा और आप उसको जरूर देखेंगे। तो ये तो बात हुई कुछ सिम्टम्स के बारे में, जो इनिशियल स्टेज पे आपको फील हो सकता है। इसमें जो यूरिन सेंसेशन जो है ये थोड़ा लेटर स्टेज पे आता है। बाकी ये कुछ सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, मिस्ड पीरियड हो गया है, फटीग हो गया है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इनिशियल स्टेज पे आपको फील हो सकती है। आपको कभी कभी ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको लोअर एब्डोमेन में आपको हल्का सा, आप अगर बहुत ध्यान देंगे तो इनिशियल स्टेज पे हल्का सा कुछ गुदगुदी सा फील होगा, नहीं कुछ खिंचाव सा, हल्का सा कुछ खिंचाव सा फील होगा। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज पे होते हैं। अब अगर बात मैं अपनी करूं, मुझे क्या सिम्टम्स फील हुआ था, देखिए एक कॉमन चीज जो होती है वो है मिस्ड पीरियड। वो तो हर किसी को होती है और तभी हमारे दिमाग में स्ट्राइक होता है कि प्रेगनेंसी का टेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। सिर्फ एक चीज जो शुरुआत में मुझे हुई थी, वो जो खाना बनाते समय मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे उल्टी हो जाएगी और खाने का मन नहीं करता था। पर क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत क्रूशियल स्टेज है, पहला 3 जो महीना होता है बहुत क्रूशियल स्टेज होता है, इसलिए आपका खान पान बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से खाती पीती थी। लेटर स्टेज पे होने वाले बहुत से ऐसे चेंजेस हैं शरीर में, चेंजेस होते हैं जो मैं आपसे आने वाले समय में डिस्कस करूंगी। लेकिन ये इनिशियल स्टेज के जो सिम्टम्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अगर आपको ये फील हो रहा है तो आप जरूर टेस्ट करिए। और आपको नहीं भी लग रहा है और अगर आपका मिस पीरियड हुआ है तो आप प्रेगनेंसी किट लेकर जरूर टेस्ट करिए। और अगर गुड न्यूज है तो मेरे साथ भी जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में लिखकर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।